स्टूडेंट्स आज हम अपने कंप्यूटर के फुल कोर्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इससे पहले हम चैप्टर वन और चैप्टर टू पढ़ चुके हैं तो अगर अभी तक आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये कंप्यूटर का कोर्स इंडिया के सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है और इन सभी स्लाइड्स में क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं तो आज का हमारा चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसिस फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स है हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें इनपुट डिवाइसिस हैं देखिए हमें पता है कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक बारकोड रीडर तो इसका राइट right आंसर है डी माउस कीबोर्ड और स्कैनर ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन बी में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और ऑप्शन सी में प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर जिससे हम बड़े बड़े मैप्स या पोस्टर की इमेज प्रिंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस हमें वो ऑप्शन बताने हैं जिसमें केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं तो इसका राइट आंसर है डी प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है जैसे मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज देखिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट या आइकन की प्रॉपर्टीज देखनी हो तो हम क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं उस आइकन पर तो इसका राइट आंसर है सी राइट क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस देखिए जब हम लाइन टाइप करते करते लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं और अब हम लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है या तो हम डायरेक्टली उस जगह पर क्लिक करें या फिर होम बटन दबाएं तो इसका राइट आंसर है ए होम नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं टोटल बारह फंक्शन की होती F1 से एफ वन कीबोर्ड के टॉप तो प्रिंट करते वक्त तो चलिए अब हम प्रिंटर को डिटेल से पढ़ लेते हैं देखिए प्रिंटर एक बार में कितना डाटा प्रिंट कर सकता है इसके आधार पर प्रिंटर को तीन कैटेगरी गया है पहला है करेक्टर प्रिंटर जिसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं जो डाटा को एक एक करेक्टर करके प्रिंट करता है नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और नेक्स्ट है पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है अब प्रिंटर्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मैनर ऑफ प्रिंटिंग के आधार पर यानी वो डाटा को कैसे प्रिंट करते हैं इस आधार पर पहला है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं पहला है इंपैक्ट प्रिंटर इसमें वो प्रिंटर्स आते हैं जिनके प्रिंटिंग हेड पेपर को टच करते हैं या टकराते हैं प्रिंटिंग करते वक्त अब कोई चीज टकराएगी तो नॉइज भी होगी इसलिए ये प्रिंटर नॉइज करते हैं प्रिंट करते वक्त एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स आते हैं पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजीवील पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये डाटा को डोट्स के जरिए प्रिंट करता है इसमें नाइन टू ट्वेंटी फोर पिंस होती हैं जो हर इंच पर डोट्स के माध्यम से पैटर्न बनाती है और करेक्टर्स को प्रिंट करती है और इनकी आउटपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये एक बार में हंड्रेड से लेकर सिक्स हंड्रेड तक करेक्टर पर सेकेंड में प्रिंट कर सकते हैं नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है वो व्हील शेप का होता है और इस व्हील के हर तिल्ली पर एक करेक्टर बना होता है और ये व्हील घूमती रहती है जब तक कि वो करेक्टर प्रिंट ना हो जाए जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं इस वजह से यह प्रिंटर भी स्लो प्रिंट करता है और नॉइस प्रोड्यूस करता है और इस प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज है कि यह इमेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता है क्योंकि यह सिर्फ करेक्टर्स को प्रिंट करता है नेक्स्ट प्रिंटर्स होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये वो प्रिंटर्स होते हैं जिनके प्रिंटिंग हेड पेपर से नहीं टकराते प्रिंटिंग करते वक्त इसके अंडर भी दो इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स आते हैं इंकचेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर पहला है इंक जेट प्रिंटर यह प्रिंटर इंक को स्प्रे करता है एक छोटे से नोजल के थ्रू करेक्टर या इमेज को प्रिंट करने के लिए और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इंक को फैलने नहीं देता और इसकी आउटपुट क्वालिटी और स्पीड अच्छी होती है और अगर आपको अलग अलग कलर में प्रिंट करना है तो आपको अलग अलग इंक कार्टरेज यूज करनी होगी जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर यह डाटा को लेजर बीम के थ्रू प्रिंट करता है और इसमें एक ड्रम लगा होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और इस पर इमेज बनती है फिर वो इमेज टोनर से इंक लेकर डाटा को लेजर बीम के जरिए प्रिंट करती है और इसकी आउटपुट क्वालिटी और स्पीड काफी अच्छी होती है अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज ट राइट आंसर है बी इंपैक्ट प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच प्रिंटर अ करेक्टर प्रिंट इन ओनली वन स्ट्रोक वो प्रिंटर बताइए जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं इसका राइट आंसर है बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी स्टैंड फॉर एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका राइट आंसर है डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखिए जैसे एलसीडी होता है वैसे ही एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज डैश तो इसका राइट आंसर ए प्रिंटेड ऑन प्रिंटर किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट लेकर ही मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज करते हैं जैसे अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं यानी बी के साथ हमने कंट्रोल की को प्रेस किया तो इसका राइट आंसर है डी कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज देखिए इन तीनों कीज को मोडिफायर कीज कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती है किसी भी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल की के बारे में तो इसका राइट आंसर है ए मॉडिफायर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कैनर स्कैनर देखिए एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो इसका राइट आंसर है है सी बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम कर्सर को उसके पास लाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे जहां तक टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो इसका राइट right आंसर है ए ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग डाउन लेफ्ट बटन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम आई सी आर सी फॉर तो इसका राइट right आंसर है डी स्टैंडर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर देखिए जब हमें कंप्यूटर में डाटा एंटर करना होता है तो हम टाइप करके एंटर करते हैं जैसे कीबोर्ड से वैसे ही कुछ इनपुट डिवाइस बनाए गए जो डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दे सके जिससे कि इनपुट जल्दी हो सके और हमारा टाइम बचे तो इस तरह के टोटल चार डिवाइसेस बनाए गए पहला है एम आपको पता है बैंक के पास रोज हजारों चेक आते हैं प्रोसेसिंग के लिए अगर बैंक हर एक चेक को मैनुअली वेरीफाई करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए हर चेक पर नाइन डिजिट का एम कोड होता है जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें सिटी कोड बैंक कोड और ब्रांच कोड होता है और इससे बैंक का काम जल्दी हो जाता है फिर नेक्स्ट डिवाइस होता है ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉगन इसका यूज हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को आस्की कोड में बदलने के काम आता है जिसे हम एडिट भी कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा जब हम इमेज से टेक्स्ट को निकालकर एडिट करना चाहते हैं तो ओ सी आर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं नेक्स्ट डिवाइस है ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर इसके बारे में हर एक स्टूडेंट जानता है जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते हो वो ओ एम आर सीट पर ही देते हो ओ एम आर निश्चित पैटर्न या पेन pen और पेंसिल के मार्क को ही पढ़कर कंप्यूटर को इनपुट देता है जिससे कि लाखों स्टूडेंट्स की आंसर शीट जल्दी चेक हो जाती है नेक्स्ट डिवाइस होता है बार कोड रीडर यह मशीन आपने शॉपिंग मॉल में देखी होंगी जब भी हम सामान को सेल्स काउंटर पर लेकर जाते हैं तो सेल्समैन एक मशीन से प्रोडक्ट पर लाइट मारता है जिससे उस प्रोडक्ट की प्राइस पता चल जाती है और डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर हो जाती है अब ये होता कैसे है देखिए हर प्रोडक्ट पर बारकोड या लाइंस होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल बारकोड्स भी कहते हैं और उनमें ही प्रोडक्ट की डिटेल्स कोडेड फॉर्म में लिखी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी तो इसका राइट आंसर है सी द प्रिंटेड आउटपुट देखिए कंप्यूटर में जो हम लेटर टाइप करते हैं वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है जब हम उस लेटर का प्रिंट ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है

अभी हमने पढ़ा था कि कंट्रोल ऑल्ट और स्विफ्ट की को मॉडिफायर की भी कहते हैं जिन्हें दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ताकि किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट किया जा सके तो इसका राइट आंसर है ए कंट्रोल और ऑल्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर की पैड देखिए की में जो नंबर की पैड होता है उसमें कंट्रोल की नहीं होती है बाकी तीनों कीज होती हैं इस इमेज में देखिए ऊपर की तरफ नमलोक की है और नीचे डिलीट की और एंटर की है लेकिन कंट्रोल की नहीं है तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द की रेफर टू एज अ टोगल की देखिए कैप्सलोक की को टोगल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हर बार प्रेस करने पर लेटर का साइज चेंज हो जाता है कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल लेटर तो इसका राइट आंसर है ए बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड वन पुट्स इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की किस की को दबाकर डाटा को एंटर किया जाता है तो इसका राइट right आंसर है सी एंटर देखिए एंटर की का यूज हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं लेकिन जब हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो वो एग्जीक्यूट तभी होते हैं जब हम एंटर की प्रेस करते हैं यानी एंटर की को डाटा एंटर करने के लिए भी यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन अगर हमें किसी आइटम को मूव करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं पहला कट और पेस्ट करना दूसरा माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो इसका राइट आंसर है सी ड्रैग एंड ड्रॉप नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज देखिए जब हम माउस से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है हाईलाइट तो इसका राइट आंसर है बी हाईलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स इज देखिए अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता तो आपके दिमाग में दो कीज आनी चाहिए थी कैप स्लोक की और शिफ्ट की बट क्वेश्चन आगे भी दिया गया है नंबर टू सिंबल तो अब इसका आंसर होगा बी शिफ्ट की देखिए शिफ्ट की प्रेस करके अगर हम कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा या स्मॉल लेटर में और जो नंबर की होती है कीबोर्ड पर उस पर जो सिंबल बने होते हैं जैसे डॉलर का साइन एट द रेट का साइन एक्सक्लामेशन मार्क का साइन अगर ये सिंबल टाइप करने हैं तो भी शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी इसलिए क्वेश्चन में लिखा है नंबर टू सिंबल नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ओड वन देखिए माउस एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ओड है वो है प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स नंबर एंड सिंबल्स फाउंड ऑन की बोर्ड आर तो उसका राइट आंसर है सी कीज या करेक्टर देखिए जो कीबोर्ड पर लेटर नंबर और सिंबल होते हैं वो कीज पर बने होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम वेन पुस्ड देखिए अगर किसी डायलॉग बॉक्स या प्रोग्राम से बाहर निकलना हो तो हम स्केप की का यूज करते हैं तो इसका राइट आंसर है सी की नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज दिस वेन यू वॉन्ट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द की फॉर ईच है अगर आपको एक बारी में सभी लेटर्स को कैपिटल बनाना है तो आप कैप्स लॉक की का यूज करते हैं और अगर आप एक, -एक करके कैपिटल लेटर करना चाहते हैं तो आप स्विफ्ट की का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन यूज द टैब की टू डैश देखिए टैब की का यूज कर्सर को मूव करने के लिए और पेज मार्जिन या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है तो इसका राइट आंसर है डी ओनली ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सी आर स्टैंड फॉर यह अभी हमने डिस्कस किया था तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट तो इसका राइट आंसर है बी माउस माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये एरो या हैंड के सिंबल में किसी भी आइटम को पॉइंट आउट कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अब ये तीनों ही डिजिटल इनपुट डिवाइस है क्योंकि डिजिटल कैमकोडर से डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्कैनर से टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसे स्कैनिंग ऑटोमेशन कहते हैं जैसे अभी हमने बार कोड रीडर पढ़ा था और स्कैनिंग ऑटोमेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डाटा ऑटोमेटिक स्कैन होता है तो इसका राइट आंसर है सी स्कैनिंग ऑटोमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू ओपन अ मेन्यू एंड देन डिसाइड यू डोंट वांट टू सिलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल क्लिक द मेन्यू टाइटल अगेन और प्रेस द डेस्क टू क्लोज द मेन्यू देखिए आपने मेन्यू ऑप्शन खोला तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है लेकिन आप उस पर क्लिक नहीं करना चाहते थे तो अब उसे बंद करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप वापस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर एस्केप की को प्रेस करेंगे तो इसका राइट आंसर है डी एस्केप की नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर टू प्रिंट हिज रिपोर्ट ही वॉन्ट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाईज कंप्यूटर बिकॉज मिस्टर वाई हैज अ प्रिंटर मिस्टर एक्स कुड सेव दिस रिपोर्ट ऑन अ डैश देखिए मिस्टर एक्स एक रिपोर्ट प्रिंट करना चाहता है लेकिन उसके पास प्रिंटर नहीं है बट मिस्टर वाई के पास है तो मिस्टर एक्स उस रिपोर्ट को मिस्टर वाई के कंप्यूटर तक कैसे ले जाएगा तो इसका राइट right आंसर है डी फ्लॉपी डिस्क में टालकर क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ही मूवेबल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली ऑपोजिट टू अ कीबोर्ड फंक्शनली ऑपोजिट मतलब जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस बताइए तो इसका राइट right आंसर है डी प्रिंटर क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट सम वन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट देखिए जो यूजर अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता डाटा को एंटर करने के लिए वो अपनी वॉइस का यूज कर सकता है जैसे आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप वॉइस सर्च का यूज करते हैं और इसे स्पीच रिकॉग्निशन भी कहते हैं तो इसका राइट right आंसर है बी स्पीच रिकॉग्निशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ अ डैश इज टू टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट मेक डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था इसका राइट right आंसर है सी स्कैनर स्कैनर किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके डिजिटल इमेज में बदल देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर देखिए जोइिक का यूज गेम्स खेलने के लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर है बी कंप्यूटर गेमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय तो इसका राइट आंसर है ए डोगलस एंजलबर्ट